विशाल भरद्वाज का सिने वनवास पूरा, टब्बू वमिका और अली फजल ने करिश्माई अभिनय से किया राजतिलक। नमस्ते दोस्तों, अभी फ्लिक डिस्कस में स्वागत है। जब तक दुनिया देश और धर्म में बटी है, ये खून खराबा होता रहेगा और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे, तुम भी और मैं भी। कृष्णा मेहरा यानी टब्बू उर्फ केम अपनी सामने बैठी चारू यानी वमिका गब्बी को कहती है। विशाल भरद्वाज निर्देशित ये फिल्म अमर भूषण के उपन्यास एस्केप टू नोवर पर आधारित है, जो आपको एक रॉय जेन कृष्णा मेहरा के सफर पर ले जाती है, जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया है। उसे एक जासूस और एक प्रेमिका के रूप में अपनी दोहरी पहचान से जूझते हुए भारत के डिफेंस सीक्रेट को बेचने वाले जासूस का पता लगाना है। फिल्म की कहानी ढाका से शुरू होती है, जहां भारत की एक खुफिया एजेंट और कृष्णा की करीबी ऑक्टोपस यानी सीक्रेट नाम को मार दिया जाता है। इस घटना से रॉ में हलचल मच जाती है। कृष्णा मेहरा समेत सभी जानते हैं कि उनके बीच ही कोई गद्दार है, लेकिन कौन? सभी का अंदेशा रवि मोहन यानी अली फजल की ओर जाता है, लिहाजा रवि और रवि के परिवार पर कुछ वक्त नजर रखा जाता है और आखिर सबका शक सही साबित होता है। रवि ही देश की सारे खुफिया जानकारी दूसरे मुल्क को बेचता है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब काफी दिलचस्प है। बहरहाल कृष्णा मेहरा के नेतृत्व में रवि और उनके परिवार को गिरफ्त में लेने की पूरी प्लानिंग की जाती है, लेकिन क्या वो सफल हो पाते हैं? नहीं। आगे कहानी कब, कैसे, किस और मुड़ती है, ये काफी थ्रिलिंग अनुभव देता है। विशाल भरद्वाज ने फिल्म के हर किरदार को जितनी कुशलता से गढ़ा है, वो काबिले तारीफ है। कोई शक नहीं कि इस फिल्म की स्टारकास्ट इसका मजबूत पक्ष है। मकबूल और हैदर के बाद विशाल एक बार फिर टब्बू के साथ आए हैं और अभिनेत्री ने अपने दमदार अदाकारी से एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों निर्देशक की चहेते है। बेटे के साथ कृष्णा मेहरा का इमोशनल पल हो या बतौर एजेंट एक कठोर अफसर, टब्बू हर भाव को पर्दे पर सटीक उतारता है। टब्बू के अलावा जिस कलाकार ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, वो है वमिका गब्बी। वेब सीरीज जुबली के बाद इस फिल्म से वमिका ने एक बार फिर प्रभावित किया है। अजमेरी हक बाधोन भी अपने किरदार में जादुई लगी है। अली फजल आशीष विद्यार्थी प्रभावी है। विशाल भरद्वाज के फिल्मों का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग रंग और अलग मिजाज होता है। खुफिया भी उससे अछूती नहीं है। वही किताबों पर फिल्म बनाना भी निर्देशक की बड़ी खासियत है। इससे पहले उन्होंने शेक्सपियर के उपन्यासों पर मकबूल, ओमकारा और हैदर बनाई है। बहरहाल खुफिया में किरदारों को जिस तरह से गढ़ा गया है या जिस तरह से उन्हें सामने लाया जाता है, वो काफी प्रभावी है। लेकिन सस्पेंस की बात करें तो कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, खासकर सेकेंड हाफ में। खुफिया एजेंट किस तरह काम करता है, ये काफी गंभीरता के साथ दिखाया गया है, लेकिन कहानी में कुछ बड़ा ट्विस्ट न होने की कमी चुभती है। फिल्म का संगीत बेहतरीन है, जिसे खुद विशाल भरद्वाज ने कंपोज किया है। इसके गानों की अलग से तारीफ होनी चाहिए। यदि आपको टब्बू को दमदार किरदार में देखना पसंद है, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। यदि आप वमिका गब्बी का काम देखना चाहते हैं, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। और यदि आप सस्पेंस थ्रिलर और ट्विस्ट से भरपूर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। Thank you for watching the video.